हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर आखिर आशा भोसले का कौन सा संदेश पद्मिनी कोल्हापुरी ने दिया मणि को? बता दिया कुछ ऐसा कि रोने लगा नन्ना सा मणि। क्या कुछ हुआ है, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर इस हफ्ते आई पद्मिनी कोल्हापुरी एज अ गेस्ट। पद्मिनी कोल्हापुरी एक्ट्रेस तो हैं ही, साथ ही साथ मंगेशकर खानदान से भी ताल्लुक रखती हैं। पद्मिनी की माँ और आशा भोसले जी दोनों बहनें हैं और ऐसे में आशा ताई खुद तो बेशक नहीं आई, लेकिन उन्होंने मणि के लिए बहुत बड़ा संदेश पद्मिनी के हाथ भेज दिया। जी हाँ, आशा ताई ने मणि के लिए जैसे ही संदेश भेजा उसको सुनकर मणि तो रोने लग गया, गदगद हो गया, क्योंकि आशा ताई ने ये कहा था कि वो नन्ने से मणि की परफॉर्मेंस को हर बार देखती हैं। आशा ताई सारे के सारे रियलिटी शोज को देखना पसंद करती हैं, सास बहू के ड्रामा या फिल्मों को वो अब नहीं देखती, रियलिटी शोज को ही देखती हैं और वो काफ़ी समय से कई सारे रियलिटी शोज को करीब से देख चुकी हैं। लेकिन जो हुनर उनको मणि में नज़र आता है वो अभी तक उनको किसी भी रियलिटी शो के किसी भी कंटेस्टेंट में नज़र नहीं आया। उन्होंने मणि को अपनी तरफ से ऑल दी बेस्ट भेजा और साथ में एक खत भी लिख कर दिया। वेल दोस्तों, सुपरस्टार सिंगर सीजन 2 के मंच पर उस खत को तो पढ़कर नहीं बोला गया, लेकिन आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा आशा ताई ने उस खत के अंदर मणि के लिए? वेल, मणि ने नहीं बताया, लेकिन हाँ, आशा ताई के इस खत को पढ़कर मणि इमोशनल जरूर हो गया। वेल, आपको क्या लगता है क्या लिखा होगा आशा ताई ने, हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।